इमाम अली अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक शख्स दूसरे शख्स से बहस कर रहा था। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम करीब गए और उस शख्स को बुलाया और तन्हाई में फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा, याद रखना अहमक और बेवकूफ इंसान का मुकाबला उसे जवाब न देकर खामोशी से किया करो, इस तरह लोग तुम्हारे मददगार रहेंगे, क्योंकि जो शख्स बेवकूफ को जवाब देता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई जलती हुई आग में बार बार लकड़ियां डालता रहे। तो वो पूछने लगा, या अली मालूम कैसे हो कि बेवकूफ कौन और अकलमंद कौन? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे शख्स जिस इंसान में ये तीन अलामतें मौजूद हो तो समझ जाना वो बेवकूफ है। तो वो पूछने लगा, या अली कौन सी अलामतें? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला जो दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखे, किसी दूसरे की बात को तरजीह न देता हो। दूसरा जो इंसान बात सुनने से पहले फौरन जवाब देता हो। और तीसरा जो बार बार अपनी तारीफ करना और अपनी तारीफ सुनना पसंद करता हो। ऐ शख्स जिस इंसान में ये तीन अलामतें हों तो उसे दूरी इख्तियार कर लो, क्योंकि उसको समझाना यानी अपनी ही तसलील करना है।